हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है बाहुबली सुधीर सिंह ने पवन सिंह को दिया आशीर्वाद, बोले काराकाट से पवन जीतेगा, सुन लीजिए। मतलब सुधीर सिंह जो हैं बाहुबली, उन्होंने ऐलान कर दिया कि पवन भैया ही जीतेंगे। तो हम जल्दी इनका इंटरव्यू देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। मुझे यहाँ के लोग पसंद करते हैं सच बोलने के लिए। मैं अपने परिवार के साथ था, मैं कभी भी आरजेडी के साथ नहीं रहा हूँ। मेरा परिवार आज अपने पैतृक आवास में, हम लोग किराए का घर छोड़ के अपने पैतृक आवास में, जिसको कहा जाता है कि घर पुरान जो होला वो पुरान घर में हमने के वापस आ गए बड़ी सन। आज इतना हम खुश कहियो नजर नहीं किया था, हम तो आरजेडी के कहो संबंधे नहीं रखले। जो मंत्री है वो कह रहे थे कि लालू यादव का राजद नहीं है, कि तेजस्वी का राजद है। तो जब लालू जी का राजद नहीं है तो हम लोग लालू जी के साथ थे, हम लोग तेजस्वी जी के साथ थे। तो वर्करों को सम्मान मिला। कल आप एक छोटा सा वीडियो भी देखे होंगे किस तरह केडी राय जी को बेइज्जत किया गया, एक राजद के कर्मठ कार्यकर्ता को। तो हम लोग कम से कम, हमारे वर्कर और कार्यकर्ता बेइज्जत होने, हम लोग मान स्वाभिमान के लिए जीते थे। देखिए, सबका बड़ा भाई होता है, रणधीर का भी मैं बड़ा भाई हूँ, इसी तरह पवन भी मुझे बड़ा भाई मानता है और मुझे गार्जियन के रूप में मानता है। पवन का आपने कभी किसी भी बिहार में वीडियो नहीं देखा है होगा कि किसी का पैर छूता है, वो मेरा मान स्वाभिमान देता है। भाई गया है लड़ने के लिए तो मेरा तो आशीर्वाद, एक बड़े भाई के रूप में राजनीतिक रूप से तो आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ, लेकिन बड़े भाई के रूप से आशीर्वाद दूंगा, खूब फलो फुलाओ, खूब आबाद रहो। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हो गया हूँ और मैं पूरे ईमानदारी से, मेरे परिवार में एक बहुत बड़ी खूबी है कि हम लोग जिसके साथ जुड़ते हैं बड़े ईमानदारी से जुड़ते हैं। और आज के डेट में मैं अपने गार्जियन नीतीश कुमार जी, माननीय सम्मानित अपराध मिटाने वाले, बिहार को विकास करने वाले के साथ में हो गया हूँ। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं प्रभुनाथ सिंह, जो कि कद्दावर नेता जाने जाते हैं और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। उनके भतीजा युवराज सिंह, जो सुधीर सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं और अक्सर काफी सुर्खियों में बने रहते हैं, आज आरजेडी का दामन छोड़ जेडीयू का दामन थाम लिए हैं। सुधीर भैया, आज आप लोग आरजेडी का दामन छोड़ जेडीयू का दामन थामे, वजह क्या रहा? मुझे यहाँ के लोग पसंद करते हैं सच बोलने के लिए। मैं अपने परिवार के साथ था, मैं कभी भी आरजेडी के साथ नहीं रहा हूँ। आज मेरा परिवार जिस कारण से मेरा परिवार आज अपने पैतृक आवास में, हम लोग किराए का घर छोड़ के अपने पैतृक आवास में, जिसको कहा जाता है कि घर पुरान जो होला वो पुरान घर में हमने के वापस आ गए बड़ी सन। आज इतना हम खुश कहियो नजर नहीं किया था, हम तो आरजेडी के कहो संबंधे नहीं की रखले और ना हम कभी रखे हम लोग से। अगर बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव ने प्रभुनाथ सिंह को ये भरोसा दिया था कि हमेशा साथ रहेंगे और साथ देंगे, लेकिन आज विकट परिस्थिति में आप लोग का साथ उन्होंने छोड़ दिया, सांसद का टिकट भी नहीं दिया। देखिए, गार्जियन है, जिस तरह बड़े पिताजी का मान सम्मान होता है उनका भी मान सम्मान है, लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि मैं मोहम्मदपुर होटल पर बैठा हुआ था तो किसी ने कहा था कि बिहार सरकार के जो मंत्री है वो कह रहे थे कि लालू यादव का राजद नहीं है, कि तेजस्वी का राजद है। तो जब लालू जी का राजद नहीं है तो हम लोग लालू जी के साथ थे, हम लोग तेजस्वी जी के साथ नहीं है। क्या लगता है बिहार में आप लोग अब जेडीयू के साथ हैं, क्या लगता है एनडीए की सरकार 40 की 40 सीटें यहाँ से ला पाएगी? निश्चित है, हमको लग रहा है कि आने वाले दिन में राजद का जो तेजस्वी जी का जो राजद है, जो पैसों पर खरीद परोख हो रहा है, देखिएगा कि राजद का जितना भी टिकट बिका है लगभग टिकट में पैसा लिया गया है ना। तो वर्करों को सम्मान मिला। कल आप एक छोटा सा वीडियो भी देखे होंगे किस तरह केडी राय जी को बेइज्जत किया गया, एक राजद के कर्मठ कार्यकर्ता को। तो हम लोग कम से कम, हमारे वर्कर और कार्यकर्ता बेइज्जत होने, हम लोग मान स्वाभिमान के लिए जीते थे। तो हमको लगा कि हमारे कार्यकर्ता वर्कर का जो बेइज्जती होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस बेइज्जती को हम लोग पहले ही हम लोग जदयू परिवार। एक सवाल मेरा रहेगा, पवन सिंह हमेशा आकर के सुधीर भैया का आशीर्वाद लेते हैं, आपका आशीर्वाद लेते हैं, आप हमेशा अपना हाथ जो उनके कंधे पे रखते हैं, काराकाट से चुनावी मैदान में आपने उनका समर्थन भी किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबका बड़ा भाई होता है, रणधीर का भी मैं बड़ा भाई हूँ, इसी तरह पवन भी मुझे बड़ा भाई मानता है और मुझे गार्जियन के रूप में मानता है। पवन का आपने कभी किसी भी बिहार में वीडियो नहीं देखा है होगा कि किसी का पैर छूता है, वो मेरा मान स्वाभिमान देता है। भाई गया है लड़ने के लिए तो मेरा तो आशीर्वाद, एक बड़े भाई के रूप में राजनीतिक रूप से तो आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ, लेकिन बड़े भाई के रूप से आशीर्वाद दूंगा, खूब फलो फुलाओ, खूब आबाद रहो। लेकिन अब तो आप जेडीयू में शामिल हो गए हैं तो क्या पवन सिंह का समर्थन कीजिएगा? क्यों, बोले ना कि मेरा बड़ा, हम उसके बड़े भाई है, हम उसके बड़े भाई हैं, राजनीतिक रूप से उसका समर्थन तो नहीं कर पाएंगे लेकिन हम उसके बड़े भाई हैं।
और मेरा आशीर्वाद उसके साथ है तो खूब फले फुलाओ, वो उस लायक है तो वो जो चाहेगा खुद करेगा। अगर पवन सिंह सुधीर सिंह को मंच संबोधित करने के लिए बुलाएं तो जाएंगे या नहीं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हो गया हूँ, मतलब नहीं जाएंगे। मैं पूरे ईमानदारी से, मेरे परिवार में एक बहुत बड़ी खूबी है कि हम लोग जिसके साथ जुड़ते हैं बड़े ईमानदारी से जुड़ते हैं, और आज के डेट में मैं अपने गार्जियन नीतीश कुमार जी माननीय सम्मानित अपराध मिटाने वाले बिहार को विकास करने वाले के साथ में हो गया हूँ, तो शायद मेरा आशीर्वाद पवन के साथ है लेकिन शरीर तो नहीं जा पाएगा। ये थे हमारे साथ सुधीर सिंह, जो कि युवराज सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं और प्रभुनाथ सिंह के भतीजे हैं। इन्होंने आज आरजेडी का दामन छोड़ जेडीयू का दामन थाम लिया है और पवन सिंह को लेकर के भी कहा है कि बड़े भाई के रूप में पवन आकर आशीर्वाद लेता है और मैं हमेशा आशीर्वाद उसे देता हूं और काराकाट से चुनाव लड़ रहा है ये खुशी की बात है और जीत हासिल करे, लेकिन एक सच्चे सिपाही होने के नाते राजनीतिक रूप से मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहे मीडिया दर्शक, धन्यवाद। तो जी अच्छा इंटरव्यू था। पहले तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं सुधीर के बारे में, सुधीर सिंह के बारे में, और इन्होंने कहा है कि वैसे तो मैं भाई हूँ उनका लेकिन फिजिकली उनका समर्थन नहीं कर सकता, मतलब मेरा शरीर वहाँ नहीं जा पाएगा लेकिन बाय हार्ट आई वांट कि वो विन करें, वो जीत जाएं इलेक्शन। तो भाई ये तो मुझे देखो ठीक है, जो कुछ भी आप लोग मुझे बताओगे मैं क्या ही कह सकती हूँ। बाकी ये कि भी हाँ, वो इंटरनली वो चाहते हैं कि पवन बिहार जीत जाए क्योंकि वो अपने आप को उनका बड़ा भाई मानते हैं, उनको छोटा भाई मानते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं अगर कुछ भी बोलती हूँ या कुछ बोल दूँगी तो आप लोग, क्योंकि मैं आप इनके बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, आप लोगों को पता है जो भी वीडियो देखते हैं मैं आपके सामने ही बैठ के देखती हूँ, तो मेरा कुछ भी कहना गलत भी हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोग मुझे बता दें कि क्या सीन है सुधीर सिंह का पवन भैया के साथ, तो उसके बाद फिर जो और वीडियोज़ होंगी उसमें हम इनके बारे में बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।